अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन शाशलिक की स्टिक्स। हम बनाएंगे वो मैं आपके सामने सामान बताती हूँ कि क्या चाहिए। चिकन लिया है मैंने बोनलेस, ये छोटा सा एक बॉल है जिसको इस शेप में काट के रख लिया है। शिमला मिर्च ली है मैंने, छोटी सी है या हाफ ले लें, बड़ी है तो हाफ ले लें। टमाटर भी देख लें, एक अदर टमाटर है कैसे कटे हैं आप देख सकते हैं। इसी शेप में प्याज भी, एक अदर छोटा सा प्याज है, प्याज भी, शिमला मिर्च भी और टमाटर भी काट लें। सबसे पहले क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बॉल में डालेंगे चिकन, इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्पून हम डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून डालेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर, चाहे थोड़ा बचा लेते हैं, हाफ टी स्पून डालेंगे सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे चिली सॉस। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, ये देखें, ताकि हमारे चिकन को जो हमारा मसाला मैंने आपके सामने डाला है वो अच्छी तरह इसको लग जाए। पाँच से सात मिनट के लिए इसको हम रख देंगे, उतनी देर में हम जो वेजिटेबल है उसको स्टिर फ्राई करेंगे। पैन मैंने ऊपर रख के फ्लेम को ऑन कर दिया है, तकरीबन ये देखें 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। सब्जियों को हम डाल के थोड़ा सा इसको बस फ्राई करेंगे, स्टिर फ्राई करेंगे। हमने इसको गर्म नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है बस। इसको मैं किसी बर्तन में डाल लेती हूँ, ये देखें स्टिक्स है मेरे पास, इसके ऊपर मैं चिकन को लगाऊंगी। थोड़ा सा इसको पका लेंगे, बाद में हम दूसरी को सब वेजिटेबल भी इसके साथ लगाएंगे। फिर ये देखें इस तरह मैं सारी लगा लेती हूँ जी। ये देखें स्टिक्स के ऊपर मेरी चिकन की क्यूब्स लग चुकी है, अब इसको करेंगे फ्राई जी। इसी पैन में मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, इसके अंदर इसको रख के गोल्डन कर लेंगे। ये बहुत मज़े के शाशलिक बनते हैं ऐसे, चिकन वेजिटेबल शाशलिक स्टिक्स बहुत टेस्टी होता है। मेरे तरीके का बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें प्लीज़, मेरे मुझे फीडबैक दें कि आपने बनाई और कैसी बनी। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, गोल्डन हो जाता है ऊपर से, और साथ में जल्दी से, माशाल्लाह आपको पता है चिकन तो जल्दी से तैयार हो जाता है।
ये देखें, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। चारों तरफ से इसको ना पका लेंगे, गोल्डन कर लेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखती हूँ ताकि ये गल भी जाए। ये देखें, दो से तीन मिनट तक हमने ढक्कन दिया है। देखें कितने प्यारे गोल्डन हो गए हैं, आपके सामने भी रख तैयार करते हैं। जी ये देखें, अभी हमने दोबारा पैन में डाल के इनको अच्छी तरह गर्म करना है। अब मैं आपके सामने इसको फिर उतार के आपके सामने लगाऊंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या करेंगे, लगाएंगे हम देखें आप शिमला मिर्च, चिकन का क्यूब्स, फिर टमाटर, फिर चिकन का क्यूब्स, फिर प्याज, फिर क्यूब्स चिकन का। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए मेरी तैयार हो गई है। इसी पैन में दोबारा से रख लेंगे चिकन, वेजिटेबल, शाशलिक स्टिक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, वो तैयार है। जी ये देखें, दोबारा से इसको थोड़ा सा गोल्डन करिए, हल्का सा करके तो फिर डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा तैयार हो जाए तो फिर इसकी साइडें चेंज करते हैं। अब मैंने वेजिटेबल भी लगा दिया, सब्जियां लगा दी हैं साथ। थोड़ा गोल्डन होता है फिर इसकी साइड चेंज करते हैं, इसकी साइड पलट लेंगे। तब आप फिर और फिर इसको उतार लेते हैं, एक दो मिनट तक इसको डिशॉल्व कर लेते हैं। जी हमारे शाशलिक स्टिक्स तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार गर्मा गर्म। आप मेरे तरीके का बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये बहुत मज़े के हैं। मेरे तरीके के बनाएं और मुझे बताएं कि कैसे बने आपके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।